क्वेश्चन, वारंट का प्ररूप क्या होगा? तो वारंट लिखित में होगा कि मौखिक? तो लिखित में होगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि किस धारा के तहत वारंट ओरल या मौखिक होता है, तो उसको अलग से लिखिए भाई। मौखिक वारंट, उसको अलग से लिखिए, क्वेश्चन बना सकता है। मौखिक वारंट या ओरल वारंट, तो दो एंगल से इसको लिखना, अलग से लिखिए। लिखिए मौखिक गिरफ्तारी का वारंट, अलग से लिख लीजिए। अगर ये पूछे कि मौखिक गिरफ्तारी का वारंट यानी कि ओरल अरेस्ट वारंट, तब आप मारिएगा धारा 42 का क्लाज 2, इसमें समाहित है। ओरल गिरफ्तारी का वारंट यानी कि हिंदी में लिखिए मौखिक गिरफ्तारी का वारंट, अगर ये कहाँ दिया गया है तो भाई इसको अच्छे से डील करना है, नया क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 42 CRPC के क्लाज वाइज देखना है, किस में? 2 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ओरल सर्च वारंट या मौखिक तलाशी का वारंट। बैठिए भाई तीन लोग। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है ओरल सर्च वारंट या मौखिक तलाशी का वारंट, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अगर ये क्वेश्चन बने तो CRPC की धारा 103 यानी कि 103 मारना, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अच्छे से तैयार रखिएगा। 103 आ चुका है, मैं फिर बता दूं कौन सी धारा, ओरल सर्च वारंट या मौखिक तलाशी का वारंट पूछे तो फिर याद रखिए धारा 103। इसके बाद धारा 70 से ये क्वेश्चन बनता है कि कई बार बना है ये कि वारंट की अवधि क्या होगी, अवधि गलत न हो, अवधि क्या होगी, तो जब तक कि वारंट निष्पादित न हो जाए और दूसरा जब तक कि उसे इशू करने वाला कोर्ट उसे कैंसिल या रद्द न कर दे तब तक वारंट प्रवर्तन में रहेगा, बना रहेगा, ये अवधि है। इसके बाद आइए 71, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, समाज में भी कंपटीशन में भी। धारा खांसी कहाँ से आने लगी बस, धारा 71 से भी क्वेश्चन बनता है। और कल बताया, पिछले टर्न पर आपको बताया गया था कि गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है, एक BW यानी कि बेलेबुल वारंट और दूसरा NBW नॉन बेलेबुल वारंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जमानती वारंट कहाँ दिया गया है, तो धारा 71 और 71 से बाहर जितने गिरफ्तारी के वारंट जाएंगे वे वारंट अजमानती वारंट होंगे। जमानती वारंट का मतलब समझ लीजिए, बैरक पूरा नहीं पढ़ा जाता, न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है लेकिन उस वारंट में उस पुलिस अधिकारी को निर्देश देता है कि यदि वारंट में वर्णित व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए वह जमानत देने के लिए तैयार हो, जमानतदार देने के लिए तैयार हो तो वहीं से जमानत इसे दे दी जाए, यानी लेकिन जमानत देने के लिए तैयार हो और जमानतदार यानी कि वह, अब लीगल भाषा में, वह स्वयं बांड भरे और उसके बाद वह प्रतिभु यानी कि श्योरिटी देने के लिए भी क्या हो, तैयार, तब उसे वहीं से छोड़ दिया जाए और जो वह बांड भरा है और जमानतदारों ने बांड भरा है या बंद पत्र उसे न्यायालय को भेज दिया जाए। यदि न्यायालय ने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी का और ये डायरेक्शन दिया है, इसी को आसान भाषा में BW या बेलेबुल वारंट कहा जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो CRPC के किस सेक्शन में? 71, रट कर जाना इसे।
बाबा ये धारा 72 और 73 से भी क्वेश्चन बनता है। मैं फिर कॉन्सेप्ट बनाइए, आपका मेंस में भी आ चुका है। मेंस में ये क्वेश्चन आया है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिन परिस्थितियों में किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो फिर एक बार देखिए भाई, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब सेक्शन वाइज चला जाएगा। सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी किया जाता है और न्यायालय एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को ये आदेशित करता है कि वारंट के अंदर जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करिए और अरेस्ट करके कोर्ट में क्या करिए पेश। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी हमने बताया 71 के तहत किस वारंट में, जमानती वारंट या बेलेबुल वारंट, पेश नहीं करना है इसमें। लेकिन यह विद फिर एक बार देखिए, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है। हाँ, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 72 और 73 में इस बात का भी उल्लेख है कि गिरफ्तारी का वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी हो सकता है और न्यायालय प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। लेकिन अपवाद है, तो अपवाद कहाँ कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 72 में और की धारा में 73। 72 में कम अपवाद है, लेकिन 72 आप 73 शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी किए जाने का प्रावधान करती है। देखिए 72 पहले देखिए, अब सेक्शन वाइज देखिए, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो चार पांच तीन चार क्वेश्चन और बना लेना है आपका। ये क्वेश्चन बनता है देखिए कैसे, कि मृत्यु दंड का वारंट किसको जारी किया जाता है, बताइए तो किसको जारी होगा, जेलर को। और जेलर को आदेशित किया जाएगा कि इस कैदी को इस समय इस तारीख को क्या करिए, फांसी पर लटकवाइए। तो ये पूछा गया एमपी में कि मृत्यु दंड का वारंट किसके नाम जारी होता है, जेलर के नाम। तो यहाँ वारंट किसके नाम, हम गिरफ्तारी का वारंट जारी करा रहे हैं। अब 72 शब्दशः देखिए, एक दो टेक्निकल क्वेश्चन इसमें आएगा, देखिए कैसे पूछा जाता है। पहला खंड देखिए भाई, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पे, देखिए आपका जो ये साधारण तौर पे या मामूली तौर पे शब्द लिखा गया है ये अति महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं, भले आप न जानते हो, आपका सामान्य तौर पे का मतलब ये हुआ कि ये जो धारा 72 में नियम हम बताएंगे ये जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। एक उदाहरण हम अच्छा अलग जाकर सीआरपीसी में इसका बताते हैं, मामूली तौर पे या साधारण तौर पे तमाम उदाहरण मिलेंगे, लेकिन एक उदाहरण हम बता रहे हैं जो अगली धाराओं में आपको मिलेगा, और वह उदाहरण आपका सीआरपीसी की धारा 177 से बता रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 177 ये बताती है कि इंक्वायरी और ट्रायल किस स्थान के न्यायालय में होगा। तो मामूली तौर पर, वहाँ भी शब्द है, मामूली तौर पर किसी अपराध की जांच और विचारण उस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ अपराध क्या हुआ है, हुआ इलाहाबाद में हुआ तो इलाहाबाद, और बनारस में हुआ है तो।
लेकिन जैसे ही मैं शब्द बोला कि मामूली तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि यह विध का पूर्ण नियम नहीं है। 1.7.8 से लेकर इसका क्या शुरू होता है? अपवाद। अपवाद का मतलब कि एक स्थान पर अपराध हुआ और कुछ दशाओं में दूसरे स्थान के कोर्ट को भी क्या मिल जाएगी? अधिकारता। उसी प्रकार आपका 72 अच्छे से याद रखना है। फिर एक बार सब देखिए, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। अब एक पुलिस अधिकारी की एक से अधिक पुलिस अधिकारी, एक या एक से अधिक। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पद नाम से इशू होगा इनके नाम वारंट कि इनके व्यक्तिगत नाम से, कि दोनों हो सकता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। पद नाम से भी हो सकता है और व्यक्तिगत नाम से। वैसे अच्छा पद नाम से होता है, क्यों पद नाम से ज़्यादा उचित रहता है? क्योंकि हो सकता है कल वह मर जाए व्यक्ति, कल रिटायर हो जाए, कल उसका ट्रांसफर हो जाए, बीमार हो जाए, तो फिर दूसरे का नाम से जारी होगा। इससे सबसे अच्छा उपाय क्या है? पद नाम से जारी कर दिया जाए, जैसे कि SSP प्रयागराज, तो ऐसे पद नाम से जारी हो गया। चाहे कोई भी SSP आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आएगा वह उसका निष्पादन क्या करेगा? कराएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यक्तिगत नाम की पद नाम व्यक्तिगत में थोड़ा समस्या आ सकती है, निर्दिष्ट होंगे। ये पूछा गया, ये भी क्वेश्चन, कि गिरफ्तारी का वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? एक पुलिस अधिकारी, एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी। आपका तो एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी। किंतु यदि ऐसे वारंट का, यानी कि तुरंत एक्सेप्शन शुरू हो गया, मैं बता दूं, तुरंत अपवाद शुरू हो गया, और इस अपवाद का पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। यदि वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी वहां मौजूद न हो, तो न्यायालय किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्जेंट मामला है, जैसे कि एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए न्यायालय है, एक गवाह आया है, वहाँ पुलिस नहीं है और गवाह न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, उत्पात मचा रहा है, और न्यायालय को लग रहा है कि इस गवाह को अब गिरफ्तार करा देना चाहिए, तो न्याय पुलिस है नहीं वहाँ कि पुलिस के नाम जारी करे, तो किसी अधिवक्ता के नाम ही क्या करेगा न्यायालय? गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और अधिवक्ता से ही कह सकता है कि इस गवाह को आप क्या करिए, गिरफ्तार, क्योंकि तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक है और पुलिस है कि नहीं वहाँ? नहीं है। लेकिन पुलिस रहेगी तब नहीं, ये कब मामला बताया जा रहा है कि जब पुलिस। फिर एक बार किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है, यानी कि तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, यानी कि एक अधिवक्ता या एक से अधिक अधिवक्ता को, उसे निर्दिष्ट कर सकता है। मतलब कि उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट क्या कर सकता है? जारी। तो एक व्यक्ति की एक से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक से अधिक, तो और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। निष्पादन मतलब लागू करेंगे। लागू का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या करेंगे? गिरफ्तार। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने किसका बताया? तो आपका गवाह का बताया। और किसके नाम गिरफ्तारी का वारंट हमने जारी करा दिया? तो किसी अधिवक्ता के नाम। ये उदाहरण याद करिएगा। अगला देखिए, खंड 2। जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट मतलब कि उनके नाम जारी हुआ, न समझ में लिख लेना है, निर्दिष्ट है, तब उनमें से या तो एक निष्पादन कराए
या एक से अधिक या सभी मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 पुलिस अधिकारियों के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया तो उसमें से 1 पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और कितने, 5 सम निष्पादन करें, कोई समस्या नहीं है। अगला ये 73, 73 से भी आपका क्वेश्चन निश्चित बनता है। धारा 73 शुद्ध रूप से, फिर एक बार याद रखिए, धारा 73 शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का प्रावधान करती है। और देखिए क्या कहते हैं कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तारी का वारंट पुलिस के नाम जारी हो तो कौन सा सेक्शन शुद्ध रूप से, 72, और किसी अन्य व्यक्ति के नाम यानी कि प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी हो तो कौन सा सेक्शन, 73। ये याद रखिएगा, शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम कौन सी धारा अप्लाई होगी, 73। जब भी 73 पढ़िए कुछ को रिलेट करके भी पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ फिर मैं बता दूं, 143 को कोरिलेट करिएगा फिर 73 को, और इसी के साथ आपका कह सकते हैं कि आपका 79 आईपीसी को, यानी कि सीआरपीसी की कम से कम 2 धारा तो एक साथ पढ़िएगा, भले आईपीसी अभी ना पढ़िए। आइए देखा जाए भाई दोनों धाराएं, सीआरपीसी की धारा आपका 743 बताती है कि कब प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। हेडिंग में मिलाने के लिए भी धारा है, कौन सी धारा, 43। और 73 बताती है कि कब न्यायालय किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो सतर्क होकर 73 पढ़ना है। इसमें 2 मॉडल, 3 मॉडल बनता है, तीनों मॉडल देखिए अच्छे से। कौन प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, ये बनेगा। और दूसरा, कब जारी किया जाएगा, ये बनता है। और तीसरा, प्राइवेट व्यक्ति जब गिरफ्तार कर लिया तो क्या डायरेक्ट अभियुक्त को या उस व्यक्ति को न्यायालय में लेकर जाएगा, यानी कि गिरफ्तार करने के बाद प्रक्रिया क्या अपनाएगा, तो क्या कोर्ट में लेकर जाएगा कि पुलिस को सौंपेगा, पुलिस को सौंपेगा। ये 3 पॉइंट याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन बनता है। बेयर एक्ट की भाषा देखिए तब इन तीनों पॉइंटों को बताया जाए। देखिए भाई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करना है बेयर एक्ट पर कि कौन प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करने में सक्षम है। तो कौन कौन है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, क्वेश्चन का मॉडल यहाँ बन चुका है, थोड़ा सतर्क रहना इन धाराओं से। पहला मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता, दे देगा सीजीएम, दे देगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीसरा दे देगा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन जारी नहीं कर सकता, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कौन जारी कर सकता है ये अच्छे से तैयार करके जाइए, अगर चाहते हैं गलत ना हो क्वेश्चन। कौन, आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कौन, आपका सीजीएम। अब दूसरा क्वेश्चन, प्राइवेट व्यक्ति के नाम जब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है तो सामान्यतः तो किया नहीं जाएगा जब तक कि गंभीर मामला न हो, तो
किन अपराधों में ऐसा वारंट जारी किया जाएगा या किनको गिरफ्तार करने के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता। अगला सब देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है मतलब कि उनके नाम जारी कर सकता है। यहाँ आपको अच्छे से तैयार रखना है कि कब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा या किसको गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी किया जाएगा और प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित किया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे, तो तीन पॉइंट बना लेना है। कौन कौन? पहला, किसके निकल भागा सिद्ध दोष, अभी हम बता रहे हैं निकल भागा सिद्ध दोष। एक सेकंड भाई, बोलिए ना बीच में। निकल भागा सिद्ध दोष, दूसरा उद्घोषित अपराधी और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से क्या कर रहा हो और उपर्युक्त सभी। फिर एक बार देखिए, निकल भागा सिद्ध दोष का मतलब ये हुआ कि जिसे न्यायालय ने सजा दी और जेल तोड़कर क्या हुआ या जेल से फरार या सजा भुगतने जा रहा था तब तक वाहन से बीच से क्या हो गया, फरार। और उद्घोषित अपराधी का मतलब कि 82(1) या 82(4) के तहत जिसके खिलाफ क्या हुई है, उद्घोषणा। और अजमानती अपराध का मतलब 2A, अजमानती अपराध को 2A में परिभाषित किया गया है, अजमानती अपराध किया है और अपनी गिरफ्तारी से क्या हो रहा है, बच रहा है। तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु आपका प्रथम वर्ग या CGM किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं और प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं कि इन व्यक्तियों को आप क्या करिए, गिरफ्तार। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि जिस प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा वह मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर होना चाहिए कि बाहर के, दोनों। तो लास्ट शब्द भी महत्वपूर्ण है, किसके अंदर होना चाहिए, लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। यानी कि जिसके नाम वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति का माने कहाँ होना चाहिए, बाहरी के अंदर का, ये सतर्क रहे, लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। इसके बाद गिरफ्तारी पर प्रक्रिया देखनी है, ये आपका सामान्य में बता दे। जब ऐसा प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करके पुलिस के पास ले जाएगा, पुलिस फिर उसे गिरफ्तार करेगी, ये देखेगी कि जमानती वारंट जारी हुआ था कि गैर जमानती, जमानती वारंट है और बांड और जमानतदार देने के लिए तैयार हैं तो पुलिस छोड़ देगी, और अगर अजमानती अपराध है तो पुलिस लेकर कहाँ जाएगी, न्यायालय में। किस न्यायालय में, जिसने गिरफ्तारी का क्या जारी किया था वारंट। तो 73 से भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है इसको भी अच्छे से भाई। अगला देखिए, अब थोड़ा छोटी छोटी धाराएं आएंगी। 74, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहले सिद्धांत बनाइए, आपका दो धाराओं का सिद्धांत बनाइए, तब आपका सही सही देखा जाए। देखिए भाई, आपका एक धारा 55 और 74 एक साथ पढ़ना है, फिर मैं बता दूं। इसको लिखा करिए भाई कहीं कहीं, आपका धारा 55 और धारा 74 आपको एक साथ पढ़ना है।
दोनों में अब नया मॉडल ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन पूरा चांस है बनने का। इन दोनों धाराओं में एक सिद्धांत है, इसको मैं लिखवा भी था, लिखना चाहे तो फिर लिखिए। भाई दोनों धाराओं का अलग से लिख लीजिए तो एक बार, क्योंकि बन सकता है अभी बना नहीं क्वेश्चन। सिद्धांत धारा 55 और धारा 74, जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है, लिख लीजिए एक लाइन, जो पदाधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है, जो पदाधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उसे दूसरे व्यक्तियों से भी करा सकता है, वह उसे दूसरे व्यक्तियों से भी करा सकता है। ये सिद्धांत धारा 55 और 74 दोनों में समाहित है। यह सिद्धांत धारा 55 और 74 दोनों में समाहित है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, दोनों में समाहित है। दोनों का देखिए भाई, धारा 55 कब लागू होगी, जब वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो, और 74 कब लागू होगी, जब वारंट पर गिरफ्तार किया गया हो। अब आइए दोनों में क्या है, एक उदाहरण बता दिया जाए। पहले 55 देखा जाए। मान लीजिए कि थानेदार साहब थे और वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखते थे, तो क्या वह किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को ये शक्ति दे सकते हैं कि नहीं कि मेरी जगह तुम ही जाकर इनको गिरफ्तार करो, तो दे सकते हैं कि नहीं। यानी कि जो कार्य थानेदार स्वयं कर सकता है वह अपने सबॉर्डिनेट से कराने की शक्ति रखता है कि नहीं रखता है। तो वारंट के बिना गिरफ्तार कराना हो तो कौन सी धारा में, 55, और वारंट थानेदार के नाम जारी हुआ है तो कौन सी धारा, 74। हाँ, मौखिक नहीं, क्या होगा, लिखित में देना पड़ेगा, मौखिक नहीं, यानी कि लेटर पर या कागज पर क्या करें, लिख कर दे, मौखिक नहीं काम चलेगा दोनों में। 74 के बाद 75 आ जाइए, जब भी 75 पढ़िए तो आप धारा 50 पढ़िएगा, फिर 75 पढ़िएगा और संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1। आइए संविधान से कोरिलेट करते रहिए पूरा। जब भी 75 पढ़िए, आप कौन कौन धारा पढ़ेंगे ये रटे रहिए, संविधान का उसको कोरिलेट करते रहिए डायरेक्ट पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे भाई, पहले 22 1, फिर आपका कौन सी धारा 50, और फिर कौन सी धारा हम आपका बताएंगे 75। एक साथ पढ़िए, तीनों में एक ही सिद्धांत है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी बता दिया जाए। आइए संविधान से इसको उठाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी उन कारणों को, उस बेस को, उस आधार को बता देगा जिस आधार पर क्या हुई है ऐसी गिरफ्तारी की गई है। यानी कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है ये बताया जाएगा, फंडामेंटल राइट है, और किस अनुच्छेद में समाहित है, अनुच्छेद 22 के किस में, 1 में। इस मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, और वारंट के बिना गिरफ्तारी में धारा 50 में मान्यता है, और वारंट पर गिरफ्तारी में कौन सी धारा, 75। फिर याद रखिए, अगर पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति या मजिस्ट्रेट धारा 50 कहती है
कि अगर वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो ऐसी दशा में जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के क्या बता देंगे, आधार या कारण या बेस। कौन सी धारा वारंट के बिना, रटिए 50। अब आइए देखिए, जब न्यायालय वारंट जारी करता है तो वारंट क्यों जारी किया गया ये वारंट में लिखता है, यानी कि आधार वारंट में क्या रहते हैं, लिखे रहते हैं। अतः जब न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो उन आधारों को वारंट में लिखा रहता है कि क्यों तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ऐसी दशा में अलग से व्यापक रूप से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या बताया जाएगा, व्यापक रूप से सब कुछ बताया जाएगा कि सार बताया जाएगा, तो क्या बताया जाएगा, सार। सार का मतलब कि वारंट में लिखी मुख्य बातें क्या की जाएगी, बताई जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और कहता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो पुलिस अधिकारी उसे क्या दिखा देगा कि लो तुम्हारे काले कारनामे इसमें लिखे गए हैं कि तुम्हारे खिलाफ क्यों वारंट जारी हुआ, यानी कि तुम्हारे कुकर्मों का चिट्ठा लिखा है कि ये तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ क्या हुआ है, वारंट गिरफ्तारी का जारी। तो वारंट क्या किया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। 75 के बाद 76 आ जाइए, 76 भी खूब क्वेश्चन बनता है, बिहार से लेकर यूपी तक में इधर की धाराएं कोई ऐसी नहीं है जो छोड़ दिया जाए। आइए 76 देखा जाए भाई, जब भी 76 पढ़िएगा, फिर मैं बता दूं सीआरपीसी की चार धाराएं और पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा आपका 57 पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 42 पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 151 और 167 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का कौन सा क्लॉज 2। देखिए 24 घंटे का नियम है, इसी को समझना है। देखिए एक मैं लिखवाया था भाई, एक दिन मैं लिखवाया हूँ, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, लिखवाया नहीं जाएगा आपका सब कुछ। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले ही मैं लिखवाया था, जब धारा 57 में पढ़ा रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जो भी कारण हो, और बिहार में पिछली बार इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, बिहार में आपका 57 से बना था पिछली बार, हो सकता है इस बार आपका बन जाए 76 से बन जाए, हो सकता है कि कहां से बन जाए 42 से, हो सकता है 151 से ही बन जाए या 167 से। लेकिन सबसे पहले संविधान देखा जाए और एक एक लाइन इन धाराओं को हम क्या करेंगे बताएंगे। रट्टा मारिए, अब समय कम है तो कुछ रटिए सेक्शन भाई, इसीलिए आ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) बताता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय तक 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा, अर्थात बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे 24 घंटे से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 22 का कौन सा क्लॉज अनुच्छेद 2, और ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर 24 घंटे से अधिक रख लिया पुलिस या किसी ने तो हम कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। किस रिट की मांग की जाएगी, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन से रिट, हैबियस कॉर्पस। रटे रहिए, अब आगे आइए। ये जो मूल अधिकार हैं, इस मूल अधिकार को सीआरपीसी में समाहित किया गया है और 5 जगह समाहित किया गया है, लेकिन पांचों का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। पहला आया जाए 76, जब किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है
तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या किया जाएगा पेश, लेकिन ये किस धारा में है, 76 में, और ये कब लागू होगी, जब वारंट पर गिरफ्तार किया गया हो कि वारंट के बिना, बताइए वारंट पर। और यही काम अगर उन पुलिस वारंट के बिना करती है तो कौन सी धारा, तो दोनों में कई लाइन का अंतर है, ये बिहार में पूछा गया पिछली बार। अगर वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार की है तो 24 घंटे का नियम किसमें है, 57, और वारंट पर गिरफ्तार की है तो 76। अब आइए 42। कुछ दशाओं में धारा 42 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी दशा में अगर गिरफ्तार करती है तो बताया गया था, उद्देश्य बताया गया था, पूछा गया है आपका कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी किस उद्देश्य के लिए, बताया गया था ना, क्या जानने के लिए, सही नाम तथा निवास, ये याद है, क्या जानने के लिए बताया गया था, सही नाम और निवास। तो आखिर गिरफ्तार करके अपने पास कितने घंटे रख सकते हैं भाई, 24, या तो छोड़े या मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करे। तो ये कब लागू होगा 42 असंज्ञेय मामलों में, 151 आइए, यानी कि कोई व्यक्ति उतावला है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कर देगा और पुलिस देखती है कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कौन सा अपराध पपुआ कर बैठेगा, संज्ञेय, जैसे संज्ञेय यानी कि जैसे कि आपका कोई आपका उतावला है कि मैं ये करूंगा, पुलिस देख रहे हैं कि बिना गिरफ्तारी के ये मानेगा नहीं, और कौन सा अपराध कर सकता है, संज्ञेय के असंज्ञेय के दोनों, संज्ञेय। तो पुलिस क्या करेगी, ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या करेगी, गिरफ्तार। अब आप लोग बताइए अपराध करने के बाद गिरफ्तार इसमें हो रहा है कि पहले, इसी को एक लाइन और याद रखिए प्री के लिए, प्रिवेंटिव अरेस्ट पूछा गया है भाई, मेंस में भी आ चुका है, प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी या अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी का प्रावधान कहाँ है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 151, किस अपराध की संभावना होने पर करने के, संज्ञेय, असंज्ञेय नहीं, किसकी। तो गिरफ्तार करके क्या करेगी भाई, 24 घंटे से अधिक तो रखेगी नहीं, तो इसमें भी क्या है, 24 घंटे के अंदर या तो छोड़े या कहाँ पेश करे, मजिस्ट्रेट के पास। अब 167, तो एक क्वेश्चन निश्चित आता है कि जब अभियुक्त गिरफ्तार हो गया हो और 24 घंटे में विवेचना या इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण पूरा न हो तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, तो कौन सी धारा कहती है कि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो गिरफ्तारी के तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करिए, कौन सी धारा, 167। एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, इस बार जो में आया था बिहार में 60 दिन 90 दिन वाला आया था, तो कई लोग 45 दिन पता ना कहाँ से पढ़ लिए, अरे दो ही तो समय है, कौन कौन 60 दिन 90 दिन, तो एक दो लोग मैं देखा पता ना कहाँ से पढ़े थे, आप किस विश्वविद्यालय से पास किए थे, अब ये भी समस्या है, किस, एक दो लोग 45 दिन मार कर आ गए थे, अरे 45 दिन तो कहीं है ही नहीं, तो 45 कहाँ से आ गया भाई, 60 को 90 मार कर आ जाते, 90 को 60 मार कर आ जाते, तो चलिए मिस्टेक है। अब एक तीसरा ऑप्शन चुन लिया 45, भाई अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, डिटेल में काफी पीछे यूपी एपीओ से ज्यादा चल रहा है, मैं बता दूं यूपी एपीओ में भी इतना डिटेल में नहीं चला था जितना बिहार के लिए चल रहा है, इसीलिए चला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का भाई पहली वरीयता ये है कि प्री न रुके, उसके बाद मेंस का बैच आपका 10 फरवरी से 12 फरवरी से लगेगा, शाम को तो पहले ही घोषणा कर दी गई है, लेकिन ये जो एक सवा माह बचा है
इसमें पूरी ताकत लगाइए और कुछ न पढ़िए, किताब न पढ़िए इस समय। मैं फिर सलाह दे रहा हूँ, लेक्चर और बेयरिंग, इससे ही आपका 90% क्वेश्चन आ जाएगा। ये इतिहास गवा रहा है आज तक, और ये आपका ये नहीं कि इसीलिए इतना भीड़ है, और कोई यहाँ कोदो बोने परोरा छीलने थोड़े आ रहा है। सामने तो और भीड़ बढ़ गए भाई, हम भी परेशान है कि कहाँ बैठा जाए, तो बाहर व्यवस्था कर दी गई है बैठने के लिए। बरसाती मेढक कहाँ बैठेंगे, आवाज से कह दिया गया कि बाहर बैठिए, अंदर आना क्या है मना है, बाहर बैठकर अपना लाउड स्पीकर भी लगवाना है आज भाई। देखिए आपका 76 हो गया, तो गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट पर कितने घंटे के अंदर पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ, 24 कौन सी धारा 76 कब लागू होगी, वारंट पर गिरफ्तारी की वारंट के बिना, चलिए रटिए भाई 77 आइए, खूब पूछा जाता है 77, जब भी 77 पढ़िए, तीन धाराएं एक साथ बहुत पूछा गया है 77, कोरिलेशन अब जबरदस्त करते रहिए, यही काम करेगा। जब भी 77 पढ़िए, आपको मैं बता दूं, एक धारा 48 पढ़िएगा, दूसरी 60 पढ़िएगा, और तीसरी कौन सी 77, तीनों को एक जगह पढ़ना है। आइए एक एक लाइन तीनों के बारे में बता दिया जाए। 48 कहती है कि जब वारंट के बिना गिरफ्तार करना है, तो पूरे भारत में कहीं भी ऐसे व्यक्ति का पीछा पुलिस कर सकती है, और पीछा करके क्या कर सकती है, गिरफ्तार। तो कहां तक पीछा किया जाएगा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए, तो पूरे भारत में कहीं भी, अगर वह पाकिस्तान में भाग गया तो क्या पीछा किया जाएगा कि नहीं, अब नहीं। तो अब एक ही उपाय है, सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि क्या किया जाए, घुस के मारा जाए या पकड़ा जाए, और वैसे भी भाग जाएंगे तो कहां पाकिस्तान वापसी करेगा। अब तामझाम ज्यादा हो जाएगा, अब प्रत्यार्पण कराइए, इत्यादि कराइए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव दिलवाइए, और कोई काम नहीं आ रहा है भारत के। तो फिल्म भी बनी थी फैंटम, तो वही उपाय है कि अमेरिका जैसे मार दिया तो भारत भी दो चार को क्या करे। लेकिन अब भाई देखिए, भारत अब अमेरिका अमेरिका है, भारत भारत है, मारे तब ना, वो अलग बात है भाई, क्या करता है भारत कुछ भी हो सकता है भाई, मोदी जी है तो, इधर योगी जी है तो यूपी में कुछ भी हो सकता है, कोई जान नहीं सकता, और उधर मोदी जी है तो क्या कर बैठे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य नहीं बताएंगे भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो दो चार हुआ के बताते। अब कुछ प्रतिबंध तो समझाने में लग ही गया है, यानी कि चूंकि ऑनलाइन भी चल रहा है, तमाम लोग आपत्ति करते हैं, पप्पू फेकू गप्पू पिंटू आपका बुआ बबुआ कहने पर, इसलिए क्या किया गया है, उदाहरणों को रोक दिया गया है। अब न रिकॉर्ड हो तो भाई थोड़ा और बताया जाता। देखिए आगे आपका, तो कहां तक पीछा करेंगे वारंट के बिना गिरफ्तार करेंगे, सेक्शन रटी 48 कहां तक, पूरे भारत में। अब आइए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अभिरक्षा से निकल भागा है, तो धारा 60 बताती है कि कहां तक पीछा करेंगे, तुरंत गिरफ्तार करेंगे भाग गया अभिरक्षा से, तो पूरे भारत में कहीं भी। और जब गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, तो वारंट लेकर कहां तक खोजेंगे, पूरे भारत में कहीं भी। तो बस एक क्वेश्चन बनता है कि वारंट का निष्पादन कहां कराया जा सकता है, तो आप भी एक शब्द देखिएगा, पूरे भारत में कहीं भी, बस एक लाइन देखिए, कौन सी धारा 77। अब आइए कंसेप्ट बनाइए, तब अगली धाराएं चलती हैं भाई। देखिए, अगर अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन कराना है, ध्यान से देखिए, प्रयागराज का न्यायालय गिरफ्तारी का क्या जारी करता है, वारंट, और इस वारंटी को, यानी कि जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करना है पटना में, यानी कि आपका किस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो आपका कह सकते हैं कि किस न्यायालय ने, प्रयागराज के न्यायालय ने
और कहां अभियुक्त को गिरफ्तार करना है, पटना में। तो ये पूछा जाता है कि जब वारंट का निष्पादन वारंट जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कराना है तो कैसे कराया जाएगा। तो इसके लिए दो उपाय हैं, दो उपाय। पहले कंसेप्ट बनाइए, इसके लिए कितने उपाय हैं, दो। पहला उपाय है कि प्रयागराज की ही पुलिस को क्या किया जाए, वारंट दे दिया जाए। और चूंकि धारा 77 कहती है कि वारंट का निष्पादन पूरे भारत में कहीं भी, तो प्रयागराज की पुलिस कहाँ जाए, पटना। और पटना जाकर ऐसे व्यक्ति को क्या करे, गिरफ्तार। दूसरा एक तरीका है कानूनी कि पटना के पुलिस अधिकारी को ही प्रयागराज का न्यायालय वारंट भेज दे और पटना का पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को क्या करे, गिरफ्तार। तो बताइए वारंट के निष्पादन के अधिकारता से बाहर कितने तरीके हो गए, दो। एक भेज कर मतलब कि कहां वारंट भेज दिया जाए, पटना। और दूसरा क्या है कि यहीं के पुलिस अधिकारियों को देकर। अब जो अगली धाराएं आपका 78 से लेकर और 81 तक चलेगी, इसी कंसेप्ट पर चलेगी। एक में हम दिखाएंगे कि वारंट क्या किया गया, भेजा गया, और दूसरे में दिखाएंगे कि यहीं के पुलिस अधिकारी को क्या दे दिया गया वारंट। तो आप लोग बताइए कौन प्रभावशाली ज्यादा इसमें रहता है, यहीं के पुलिस को देकर कि वहां भेजकर। यहीं के पुलिस वहां भेजने से कौन लोड लेता है, उतना चलो आया है वारंट देखा जाएगा। यहाँ का पुलिस रहेगी तो तलब हो जाएगा कि वारंट का निष्पादन अब तक क्यों नहीं किए, क्या छापा आप मारे कहें कि आप मुख्य दर्शक थाने में बैठे हुए हैं, पूछ सकता है मजिस्ट्रेट। तो देखिए यहाँ की पुलिस जाती है तो क्या करती है। जब यहाँ की पुलिस जाएगी तो पहला नियम यह है कि जिस एरिया में गिरफ्तार करना है उस एरिया के थाने को या एसपी को सूचित करें और थाने से सहायता मांगे और उस एरिया का थाना यहाँ की पुलिस की सहायता करे और अभियुक्त को क्या किया जाए, गिरफ्तार। लेकिन एक अपवाद है इसमें और उसी अपवाद का ज्यादातर यूज वर्तमान में पुलिस कर रही है। एक एक्सेप्शन है कि प्रयागराज की पुलिस पटना गई, अगर प्रयागराज की पुलिस को लगता है कि हम थाने पर सूचना दिए और थाना दल बल के साथ चला तो हो सकता है गिरफ्तारी हो ही ना पाए, यानी कि अभियुक्त वहां से भी क्या हो जाए, फरार। तो डायरेक्ट जाकर क्या करे, वो पहले गिरफ्तार कर ले और बाद में थाने को क्या कर दे, एसपी को सूचित कि आपकी एरिया में हम आए थे और हम गिरफ्तार कर लिए हैं इनको, क्यों हम सूचना नहीं दिए, क्योंकि अगर सूचना देते तो गिरफ्तारी विफल हो जाती। हो सकता है थाने वाले भी अभियुक्त से मिले हों, जैसे कि आपका विकास दुबे के मामले में हुआ कि पूरा थाना ही ज्यादातर क्या हुआ था, अपराधी से मिला था और थाने वाले ही गद्दारी कर दिए और गद्दारी करके अभियुक्त को सूचना दे दिए कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या है जा रही है। तो उसका दिमाग का इलाज चल रहा था, दिमाग थोड़ा ठनक गया, यानी कि 84 वाला हो गया, हो सकता है 85-86 वाला भी रहा हो, थोड़ा ले लिया हो दो बूंद दिमाग, इलाज चल रहा था। तो अब हुआ कि भाई वो भाग सकता था, भाग जाता छोड़कर घर, क्या जरूरत थी टकराने की, भाई छोड़कर भाग जाता, उसमें क्या है, तमाम अपराध किया था। लेकिन वो 56 इंची सीना दिखाया तो भाई ठीक है, पुलिस को मारे हो तो ये भी अपना बदला पूरा कर ली। लेकिन दोनों लोगों ने गलत किया, एक ने नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने सही किया या अपराधी ने, दोनों ने गलत किया। उसको भी चाहिए था भाग जाता, तो मौका था 4-5 घंटा, इतना सुविधा है तो भाग जाता। और पुलिस भी जब पकड़ ली तो न्यायालय में क्या करती, पेश करती, तो गाड़िये पलटवा दी, तो अलग बात है। यानी कि
ये दो तरीके हैं। अब इसी तरीके को हमें बेयर एक्ट में ऐड करना। अब देखिए भाई, आपका यहाँ से चांस रहता है एक क्वेश्चन बनने का। देखिए अब अगला धारा 78 पढ़िए, कब लागू होगी। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, पहला खंड देखिए, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, यानी कि उदाहरण भी पकड़े रहिए, प्रयागराज के न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इस उदाहरण में कहां उसका निष्पादन कराना है, तो आपका जवाब रहेगा पटना में अधिकार, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय, यानी कि 78 यानी बजाय ही पकड़ना है, बजाय मतलब सिवाय मतलब ऐसा न करके मतलब कि अपने अधिकारिता के अंदर के पुलिस अधिकारी को वारंट न देकर, तो क्या करे भाई, पटना भेजे, यानी यहाँ के अधिकारी को न देकर पुलिस अधिकारी को कहाँ भेजे, तो पटना में किसको भेजा जाएगा, डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, तो पटना के किसको भेजेगा बताइए, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है कि नहीं, वहां के भेज सकता है, और किसको, एसपी को और पुलिस कमिश्नर, तो पुलिस कमिश्नर को भेज सकता है कि नहीं, भेज सकता है, जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन कराना है और तब ये लोग उसका क्या कराएंगे, निष्पादन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भेज कर निष्पादन, तो भेज कर किस धारा में, 78, किसको भेजा जाएगा, रटे रहिए, तीन प्राधिकारी रटे रहिए, कार्यपालक में स्टेट और कौन है, हाँ पुलिस आयुक्त, तो तीसरा कौन है, एसपी, याद रखिए तीन को। 79 देखिए, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। अब 79 जो है आपका, कह सकते हैं कि यहीं के पुलिस अधिकारियों को क्या दिया जाएगा, आपका वारंट। फिर एक बार देखिए भाई, नहीं देखिए, फिर एक बार देखिए, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पे ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के बाहर साधक अधिकारी से अनिम्न माने कम नहीं पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जाएगा और कहेगा कि आपके यहाँ हम क्या करने आए हैं, अपना वारंट निष्पादन, यानी कि बस एक लाइन जानना है कि जब पटना भेजा जाएगा तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 71, और जब यहीं के पुलिस अधिकारी को वारंट जारी कर दिया गया और इसी को कहा गया कि जाकर पटना से क्या करो, गिरफ्तार, तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 79, बस ये जानना है। यहीं के पुलिस अधिकारी को देकर 79 और भेज कर तो 78, और इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए देखा जाए आपका 82 से लेकर, इधर छोड़ दीजिए, दो तीन धारा ये नहीं आती है, 82 से लेकर 86 तक, 82 से लेकर 86 तक में एक क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो लगातार बनता है, प्री में भी एक क्वेश्चन का चांस रहता है, और देखिए समय भी हो गया है भाई एविडेंस का, तो रेस्ट ले लीजिए, कल इसको पढ़ाएंगे। 82 से इधर थोड़ा 82 से 86 समय लेगा, उसके बाद आपका 87 से लेकर और 105 तक एक दिन में हो सकता है, फिर आपका 106 से 124 ये भी एक दिन में हो सकता है मेन प्री के लिए, फिर 125 से 126 27 28 फिर उधर तेजी से, यानी कि इधर आपका उद्घोषणा कुर्की के बाद जो समय लेगा FIR, इधर की धाराएं निकल सकती है, तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका एविडेंस भी भाई
चार पांच दिन में समाप्त किया जाए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि चार पांच तारीख से आपका नया सब्जेक्ट लगा दिया जाए। एक